यूं तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जिस हाशिए पर है उससे कौन अनजान है, पर फिर भी जैसे ही किसी भी चुनाव का बिगुल बजता है तो कांग्रेस पूरी तरह से कोशिश करती है कि वो शायद पहले जैसी स्थिति में आ जाए, पर होता उसका उल्टा ही है। इस बार भी निकाय चुनाव में ऐसी ही मुरादाबाद में देखने को मिल रहा है। दरअसल कांग्रेस से मेयर पद के प्रत्याशी रिजवान कुरैशी के चुनावी कार्यालय का शुभारंभ होना था। ये कार्यालय प्रिंस रोड पर खोला गया है। इसका उद्घाटन करने अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मीम अफजल मुरादाबाद पहुंचे थे। इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष डॉक्टर एपी सिंह भी मौजूद थे। मीम अफजल आए तो कार्यालय का शुभारंभ करने थे, पर यहां का नजारा भी कुछ और था। मीम अफजल मंच पर आसीन होकर चुनाव में एकजुट होकर लड़ने की बात कर रहे थे कि अचानक कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। इनमें वो लोग भी थे जिनको टिकट नहीं मिला। ऐसे लोगों ने कार्यक्रम में जमकर हंगामा किया। साथ ही डॉक्टर एपी सिंह पर आरोप लगाया कि उन्होंने फायदे के चलते अपने खास लोगों को टिकट दिया है। बमुश्किल हो हल्ले के बीच कार्यक्रम संपन्न हुआ। अभी हमारे एपी सिंह जी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक बात बहुत कही और मैं समझता हूँ कि बात में बोलता हूँ। ये हकीकत है कि कभी कभी सियासत को करता कोई है और उसका क्रेडिट कोई दूसरे लोगों को मिल जाता है। जो जेन्युइन लोग हैं और थोड़े शर्मीले हैं, जिला कांग्रेस कमेटी का एक कार्यकर्ता आपके साथ जो है हर क्षण बोल रहा है। बरकत नहीं आपके पास। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप किस बारे में अपने ताकत का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने ताकत को गलत जगह शुक्रिया। वो मेहनत भी करते हैं और पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल सही बात। जो लोग थोड़ा तेज होते हैं, मिजाज के तरह तेज होते हैं और सियासत में आगे आगे बढ़ते हैं, वो कभी कभी बगैर काम किए भी आगे बढ़ते हैं। तो उनका ये कहना है कि हर वार्ड से कम 1,000 लोग, वो उन्होंने रियायत की है। ये रियायत कर रहे हैं। मैं ये हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, मैं कांग्रेस पार्टी का नेशनल प्रवक्ता हूँ और हमारे लीडर मीम अफजल साहब यहाँ पर मौजूद, जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर एपी सिंह जी, हमारे बीच में पूर्व विधायक पूर्व जिला अध्यक्ष फूल कुंवर जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव असलम खुर्शीद साहब, हमारे सबके नेता जो पूर्व में मेयर का चुनाव लड़े थे, जिला बार के सेक्रेटरी आनंद मोहन गुप्ता जी, शकील चौधरी साहब, हम सबके आदिल अजीज, हमारे और आपके प्रत्याशी हाजी रिजवान साहब, पूर्व महानगर अध्यक्ष और असद मौलाई साहब, आजम अंसारी साहब जो संचालक अंदर, हमारी कोई तकदीर तय नहीं हो रही है। ना तो उत्तर प्रदेश सरकार हट रही है, ना केंद्र सरकार बिगड़ रही है। हमारे चुनाव का रिजल्ट जो गुजरात में चुनाव हो रहा है उस पर असर डालेगा। हमारी माता जाएगी इस सीट पे, पूरे उत्तर प्रदेश की निगाह है। मीम अफजल ने इस मौके पर मामला शांत कराते हुए कहा कि चुनाव की तारीख करीब आ गई है और सबको सारी बातें भूलकर चुनाव दम से लड़ाना चाहिए। अंजाम क्या होगा ये तो 1 दिसंबर को पता चलेगा, पर कांग्रेस तो शुरू से ही अपने आप को बचाने में खड़ी दिख रही है। ये मुहड़ों के चौराहे से आगे हुई है, अमतुल स्कूल के पास, और मीम अफजल साहब इसमें आए हुए थे जो कि काफ़ी अच्छा बोल कर गए हैं और अहले मुरादाबाद के लिए बहुत अच्छा बोला है उन्होंने, एकजुट होने के लिए बोला है और सब एक साथ कांग्रेस को वोट दें इसका उन्होंने निवेदन किया है और सभी को एक साथ रहने के लिए कहा है। कितने वार्डों से कांग्रेस को टिकट दिए गए? कांग्रेस को 65 वार्डों से टिकट मिल चुके हैं, सिंबल जो के लोग लड़ रहे हैं कांग्रेस के, 65 जगह हैं जहाँ से वार्डों से कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। आप कौन से वार्ड से लड़ रहे हैं? मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मेरी बीवी लड़ रही है, पत्नी निशा अंसारी। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो क्या क्या मुद्दे आपके रहेंगे? अगर मेरी पत्नी चुनाव जीतती है तो इंशाल्लाह ताला ग्रेजुएट है खुद अपने आप में,
और LLB वो कर रही हैं, वो अपने आप अपने मसलों को खुद नगरायक से कह करके सुलझाएंगी और काफ़ी क्वालिफाइड हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं है कुछ बताने की, वो खुद अपने काम जो विकास यहाँ होना है, जल भराव की सबसे बड़ी समस्या है सराय किशनलाल में और आपका अब्दुल हाउस के पास खोकरान में सबसे ज़्यादा नाले का जल भराव हुआ है, सबसे पहले उसके नाले दोनों बनने हैं।